वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में आप लोगों से ये मेकअप लुक शेयर करूँगी। एकदम सिंपल मेकअप है और जितना भी मैंने आज यहाँ पर मेकअप किया है ओनली लैक्मी 925 सीसी क्रीम के साथ ही क्रिएट किया है। नो कंसीलर, नो फाउंडेशन, ओनली सीसी क्रीम। और जितने भी मैंने प्रोडक्ट लिए हैं वो सारे 200 के अंडर में हैं और यहाँ पर मैंने अपनी स्किन केयर कर ली थी। सो आईब्रो फिल करने से ही स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल ली है और ये शेड नंबर ब्राउन है, जिसकी हेल्प से मैं अपनी दोनों आईब्रो को फिल कर लूँगी। यहाँ पर इस पेंसिल में ब्रश भी अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से मैं अपने आईब्रो को अच्छे से कॉम कर लूँगी। सो नेक्स्ट हमारा स्टेप है कंसील करना। यहाँ पर मैंने सीसी क्रीम ही लिया है लैक्मी का और मेरा शेड नंबर है 03 ब्राउन्स। और फ्लैट ब्रश लिया है मैंने यहाँ पर, उसकी हेल्प से मैं अपने आईलिड और अपनी आईब्रो को शार्प दिखाने के लिए फिल कर लूँगी कंसीलर, एज यू कैन सी। एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अब कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी। डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर ही लेना है हमें। और ये ब्यूटी ब्लेंडर मैंने मिनीसो के स्टोर से ही परचेज़ किया था अराउंड 250 रुपीज़ में, और ये मेरा ना एक ख़राब हो गया था एक साइड से, सो मैंने उसे कट कर लिया है। एंड यहाँ पर मैं LA कलर्स की आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, जिसमें से ये मैंने वाइट मैट कलर लिया है, जिससे मैं अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी। और ये ब्रश भी मेरे मिनी सो के हैं। सो यहाँ पर मैंने पिक किया है लाइट ब्राउन कलर, जिसे मैं अपने एज अ ट्रांजिशन कलर अप्लाई करूँगी और पूरे अपने आईलिड पे इसे ब्लेंड कर लूँगी। सो हमें अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, तभी हमारा आई मेकअप अच्छा लगेगा। और आज जो मेरा आई मेकअप है एकदम सिंपल सा आई मेकअप है। अगर किसी को नहीं आता है, ये स्टेप टू स्टेप है, आप इसे देख के ईजिली कर सकते हो। मैंने डार्क मैरूनी शेड पिक किया है, जो कि मैं ये अपने आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी फ्लफी ब्रश की हेल्प से ही। अगर आप चाहो तो अपने फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हो। और यहाँ पर मैं क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ, जिससे मैं दोनों कलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। देन यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी मिड आईलाइट पे, ये गोल्डन सिमरी में है शेड, और इसे मैं अपने फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। सो इसे अप्लाई करने के बाद मैंने वही सेम डार्क कलर लिया है ब्रश पे और उसे टैप टैप कर लूँगी। और इसे मैंने ज़्यादा नहीं करना था, सिमरी लाइट ही रखना था, इसलिए मैंने अच्छे से ब्लेंड करा है। नाउ यहाँ पर मैंने कलर सेंस का लाइनर लिया है, जो कि मैं अप्लाई करूँगी। और आप देख सकते हो किस तरह से मैंने लाइनर अप्लाई किया है, विंग नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट में ही मैंने इसे ड्रॉ किया है। ये मेरा अब तक का बेस्ट लाइनर है, आई थिंक ये मेरे ही थर्ड परचेसिंग है। सो इसका एप्लीकेटर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इससे ईजली मुझसे लग जाता है लाइनर। और अगर आप लोग को ट्राई करना है तो आप ये ट्राई कर सकते हो, ये वाला कलर सेंस का लाइनर। ये कलर सेंस सुपर एक्सटेंड लाइनर है इसका नाम पूरा। सो आप देख सकते हो मैं किस तरह से लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। ये क्लिप मैंने थोड़ी सी स्लो में रखी है, ताकि आपको जैसे मैं लाइनर लगा रही हूँ वो क्लियरली समझ आ जाए। मैंने प्राइमर लिया है NYBAE का, और ये भी अच्छा है अफोर्डेबल प्राइस पे, और इसे मैं पूरे अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। अगेन यहाँ पर मैंने लैक्मी की सीसी क्रीम ली है, जो कि मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी डॉट डॉट करके। साथ में हमें नेक पे भी अप्लाई करना है, और ये ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूँगी एज यू कैन सी। अगेन मैंने यहाँ पर सीसी क्रीम ही ली है, जिसे मैं एज अ कंसीलर अप्लाई करूँगी अंडर आई एरिया पे और फोरहेड पे, नोज पे एंड अपने लिप्स एरिया पे एज अ कंसीलर। और ये फ्लैट ब्रश की हेल्प से ही मैं अप्लाई करूँगी इसे। देन इसे हम कर लेंगे ब्लेंड। और अगर आपके पास ब्लेंडिंग ब्रश है तो आप ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। और ये जो सीसी क्रीम है, वैसे ये हैंड से भी हो जाती है, फिंगर की हेल्प से भी आप इसे ईजिली ब्लेंड कर सकते हो। और यहाँ पर मैं इसे सेट कर लूँगी लैक्मी के लूज पाउडर से, और इसका शेड नंबर है कि 02 वार्म पिंक।
नाउ यहाँ पर मैंने ये दोनों कलर मिक्स करके जो मैंने अपनी आईलिड पे अप्लाई किए थे वही मैं लोअर लैशेस पे अप्लाई कर लूँगी और ब्लेंड कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने वाइट काजल लिया है स्टे कुर्गी का आई लव यू टू और इसे मैं लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई कर लूँगी। और ये ब्लैक कलर का है स्टे कुर्गी आई लव यू टू काजल और इसे भी मैं लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई कर लूँगी और अपर वाटर लाइन पे। एंड यहाँ पर मस्कारा मैंने लिया है बेला वोस्टी का, अपनी आईज़ को कर्ल्स मैंने कर लिया है। देन यहाँ पर मैं अपने मस्कारा अप्लाई कर लूँगी दोनों आईज़ पे लैशेस पे। एक्सेस पाउडर को मैं यहाँ पर डस्ट आउट कर दूँगी और ब्लश मैंने यहाँ पर ब्लू हेवन का लिया है डायमंड 502 और ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई कर लूँगी एज यू कैन सी। और यहाँ पर मैं भूल गई थी कंटूरिंग करना, सो यहाँ पर मैंने एले कलर्स की पैलेट में से लाइट ब्राउन कलर लिया है और ये ब्रश मिनी सो का है और उसी के हेल्प से मैं अपने चिन फोरहेड नोज की कंटूरिंग कर लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और अगेन मैंने जिससे मैंने ब्लश अप्लाई किया था वही ब्रश पिक करूँगी और इन दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी लाइन ना दिखे। हाइलाइटर मैंने पिक किया है वेट एंड वाइल्ड का मेकअप स्टिक हाइलाइटर है ये और मेरा शेड नंबर है E800 और इसे मैं लिप्स चिन और नोस फोरहेड पे अप्लाई कर लूँगी और फ्रेड ब्रश की हेल्प से ब्रो बोन और अपने इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई कर लूँगी एज यू कैन सी। को फिक्स कर लेंगे मेकअप फिक्सर से। यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का लिया है और लिपस्टिक मैंने यहाँ पर अप्लाई की है पर्पल की लिक्विड लिपस्टिक, मेरा शेड नंबर है 21 एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। सो बताना गाइस ये लिपस्टिक कैसी लग रही है और मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। यहाँ पर मैंने छोटी सी बिंदी लगाई है और ये झुमका वाले इयररिंग्स डाले हैं। सो सिंपल सी कुर्ती है एंड या कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, मेरा मेकअप अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने फैमिली मेम्बर और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चिल एंड बाय बाय।